सभी दीदी को प्रणाम। मेरा नाम मंजू देवी है। ग्राम सारिलचा क्रांति जीविका ग्राम संगठन की बैठक में आप लोग को स्वागत है। काहे दीदी उदास बैठल हो? हाँ दीदी, आज बड़ी उदास दिख रहे हैं आप। चिंता में नहीं बैठूं दीदी, दो साल से मेरा आलू खराब हो रहा है। फिर आलू का समय आ गया दीदी, मैं कैसे आलू लगाऊं? क्या नुकसान होता है हर बार आपको? दीदी मेरा एक कट्ठा में 40 किलो आलू 50 किलो लग जाता है दीदी, खाद भी लग जाता है, पटावन भी लग जाता है, और उसमें पता नहीं क्या रोग धर लेता है झुलसा की पता नहीं लगता है। हम लोग की इतना घाटा है कि कुछ कहा नहीं जा सकते, किसान के बहुत घाटा है दीदी। तारकेश्वरी दीदी, इस बार आलू आप कब लगा रहे हैं? सोच रही हूँ दीदी आज लगाने के लिए। बीजा अमृत मिला के आलू का शोधन कर ली? आपके कहने पर ना दीदी, बीज शोधन हम कर लिए हैं बीजा मित्र डालकर। हाँ दीदी, पिछले बार तो हम बीज शोधन करने के लिए सीख लिए थे, लेकिन फिर भी बीज शोधन करने से क्या फायदा है? दीदी आप लोग के अगले बार बीज शोधन करने के लिए सिखा दिए थे तो आप लोग सीख गए ने? आप बताती हूँ, बीज शोधन करने से आलू का बीजा अमृत से क्या क्या लाभ है। बीजा अमृत से आलू का शोधन करके रोपाई करते हैं तो उसमें ठंडी के मौसम में पाला नहीं लगता है। अच्छा दीदी, और क्या क्या फायदा होता है? दीदी बीजा अमृत से आलू को शोधन करके लगाते हैं तो फफूंद नहीं लगता है, गलकी नहीं लगता है आलू में, जैसे झुलसा नहीं आती है और उपज अधिक होता है। तू बीज शोधन करियो अगली बार? हम तो दो साल से बीजा अमृत से बीज शोधन करके लगाती हूँ तो हमको नुकसान ना के बराबर होता है। तो बड़ी काफी फायदेमंद चीज है कि दीदी। ये सब तो ठीक है दीदी, फिर आलू की रोपाई करके देखती हूँ क्या फायदा हमको होता है। चलिए दीदी, आलू की रोपाई करे जाइए रही है तो मैं भी साथ चलती हूँ और बताऊंगी आलू में क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है, आलू की रोपाई कैसे की जाती है। ठीक है दीदी, अगली बार हम भी खेत में आलू लगाएंगे ना तो आपको बुलाएंगे। जब भी आलू रोपने के लिए कोई दीदी जाइएगा तो जब भी हमको बुलाइएगा तो हम चल आएंगे, बता देंगे। ठीक है दीदी, मैं भी चलती हूँ तारकेश्वरी दीदी के खेत में, मैं भी आलू लगाना सीख लूंगी। ठीक है दीदी, चलिए। के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए जो आपको पहले बता देती हूँ। सबसे पहले खेत में नाला बनाने के लिए हमको एक कुदार चाहिए। दीदी आलू रोपने के लिए एक लंबी रस्सी चाहिए जिसमें एक एक फीट की दूरी पर निशान लगा रहना चाहिए। बीजा अमृत से बीज शोधन किया हुआ आलू, दीदी ध्यान दे आलू को काटने को समय की आलू का आंख कटे नहीं। चलिए अब खेत में हम नाला बनाते हैं। दीदी सबसे पहले हम नाला बना दें चारों ओर से ताकि सिंचाई करने में सुविधा हो और पानी जमा नहीं रहे। सामने करते चलिए। अब हमको एक एक फीट की दूरी पर पत्ती बनानी है जिसमें आलू रोपनी है। अच्छा दीदी, एक पाती से दूसरी पाती की दूरी कितनी होगी? देखिए दीदी, एक पाती से एक दूसरी पाती के अंतर एक फीट होना चाहिए, आलू के बीज की दूरी एक फीट से एक फीट, ताकि दोनों तरफ बराबर हो। देखिए
दीदी रस्सी पे निशान दिया हुआ है एक एक फीट की दूरी पर, इसी पर आलू बिछाइए। दीजिए अच्छा दीदी, बीज से बीज की लंबाई एक फीट चौड़ाई होना चाहिए। एक बीज से दूसरे बीज की दूरी एक फीट होना चाहिए, इधर से भी और इधर से भी, चारों तरफ से बराबर होना चाहिए। अब बीज को मिट्टी से ढक देंगे। ठीक है दीदी, बीज सही से डला गया दीदी। हाँ दीदी, अब सब हो गया। देखिए दीदी, आलू रोपने के पहले ध्यान दीजिएगा कि 12 घंटे पहले बीजा अमृत से बीज को शोधित कर लीजिएगा 12 घंटा पहले। उसके बाद जब खेत में रोपाई के लिए जाइएगा तो चारों पट्टी से नाला पहले बना लीजिएगा। उसके बाद एक फीट से एक फीट की दूरी पाती बनाइए, उसके बाद एक फीट से एक फीट की दूरी पर आलू बिछाइए और रोपिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने हमें आलू रोपने की बहुत अच्छी जानकारी दी। अब से मैं भी ऐसे ही खेत में लगाऊंगी। ठीक, नमस्ते दीदी।